साल 2011 में टीम इंडिया ने एमएस धोनी की अगुवाई में 28 साल बाद वनडे विश्व कप जीता था। युवराज सिंह का भारत की वर्ल्ड कप जीत में अहम रोल था। वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुने गए थे। वो उस वर्ल्ड कप में 4 बार मैन ऑफ द मैच चुने गए थे। इसी वर्ल्ड कप के बाद युवराज को अपनी कैंसर की बीमारी के बारे में पता चला था। उन्हें मीडियास्टिनल सेमिनोमा नाम का दुर्लभ कैंसर हुआ था। लेकिन युवराज से भी पहले यदि किसी को इस बात का पता था कि इस ऑलराउंडर को खतरनाक बीमारी हुई है तो उस व्यक्ति का नाम था महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, चौंकिए मत, एमएस धोनी ने युवराज की किताब द टेस्ट ऑफ माय लाइफ के लॉन्च के मौके पर इस बात का खुलासा किया था। धोनी ने पहली बार बताया था कि उन्होंने युवराज से पहले वो रिपोर्ट पढ़ ली थी जिसमें उनके कैंसर का पहले बार जिक्र किया गया था। धोनी ने बताया था कि मुझे काफी पहले पता चल गया था, मुझे नहीं लगता कि शायद यूवी को भी ये बात पता होगी, लेकिन मेरे लिए एक सदमे की तरह था। वो इंसान जिसने मुझे युवराज को कैंसर होने के बारे में बताया तो मैंने उससे पूछा कि क्या ये सच बात है। धोनी ने आगे बताया कि उन्होंने कहा कि हाँ, रिपोर्ट में तो यही आया है। ये मेरे लिए एक सदमे की तरह था, लेकिन मुझे पता था कि यूवी एक ऐसा इंसान है जो काफी मजबूत है। धोनी ने बताया था कि वो किसी तरह अपने दर्द को छुपाए हुए था। इसी कार्यक्रम में धोनी ने यूवी से अपनी दोस्ती की शुरुआत की कहानी भी बताई। धोनी ने बताया कि एक बार ये गुस्सा थे, तब मैंने इनसे पूछा कि यूवी, ये जो आप गुस्सा होते हैं, आप सही में गुस्सा होते हैं क्या? तो इन्होंने बोला कि ओए बिहारी, मैं तो ये मजाक कर रहा था, इसे गंभीरता में मत लेना। मैंने बोला, आज के बाद अगर तुम सच में कभी मुझसे गुस्सा होगे तब भी मैं इसे गंभीरता से नहीं लूंगा। धोनी ने यह भी बताया था कि वो पहले युवराज सिंह की बातों से डर जाया करते थे। बड़ी बात यह है कि धोनी और युवराज की दोस्ती काफी पुरानी है। यही वजह है कि धोनी जब भी विश्व कप की टीम चुनते थे तो उसमें युवराज सिंह का नाम सबसे अव्वल दर्जे पर होता था। धोनी ने खुद कहा कि युवराज सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके टीम में रहने से टीम को एक बड़ी जीत भी मिल जाती है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।